हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 को, यानी भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 को आज हम लोग समझेंगे। ये आर्टिकल 14 डील करता है मेनली राइट टू इक्वालिटी के ऊपर, समानता के अधिकार के ऊपर। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा उसकी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 14 दो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये है तो सिर्फ एक लाइन का, लेकिन इसके अंदर डिस्कशन बहुत लंबी है, बहुत सारे जजमेंट आए हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं। तो इसके अंदर दो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कानून, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। तो ये इसके अंदर दो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके अंदर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का इस्तेमाल हुआ है, ये थोड़ा सा निगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है, निगेटिव ये इस वजह से है, इसका मतलब ये होता है कि कानून के सामने किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, किसी तरीके की कोई प्रिविलेज या कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी, स्पेशल सहूलियत कि वो बहुत पैसे वाला है, कि बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत है, या बहुत अच्छी कास्ट का है, तो उसको कानून के सामने कोई तरह की कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। तो ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो समान लोग होंगे, इक्वल लोग होंगे, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको समान तौर से ट्रीट किया जाएगा, जो इक्वल लोग होंगे। तो ये इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का। अब जो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसकी जो ओरिजिन है, ये हमें मिला है, इसकी जो ओरिजिन है वो इंग्लिश ओरिजिन है। और जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये हमें मिला है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये दोनों जो मिलके, ये जो दोनों मिलते हैं, इनका उद्देश्य बन जाता है कि ये एक इक्वालिटी जो है उसको एस्टैब्लिश करें। ये इक्वल जो है इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करें और लोगों को इक्वल जस्टिस दिलाएं। ये जो दोनों एक्सप्रेशन को हम मिला के ये कहेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये इक्वालिटी का अधिकार दें, इक्वालिटी का जो अधिकार है वो आपको इक्वल बनाएं और आपको इक्वल जस्टिस दें, इक्वली न्याय दें, ये इसका मतलब होता है। अब एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का। उसके अंदर ये बोला गया कि हालांकि ये दो टर्म देखने में अलग लगते हैं, लेकिन जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट का कोरोलरी है, उसको फॉलो करता है। तो अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट का उल्लंघन होगा तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दूसरे का उल्लंघन नहीं हो रहा है, या दूसरे का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पहले का उल्लंघन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का मतलब एक ही है, ये इस जजमेंट के अंदर कहा गया। अब हम लोगों को इसको, इक्वालिटी को समझने के लिए थोड़ा सा समानता की थोड़ी सी फिलॉसफी समझना पड़ेगी। ये जो हम लोग कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो डॉक्टर जेनिंग्स थे, डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा कि ये जो हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, ये इक्वालिटी तब होती है जब लोग इक्वल हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो लड़के हैं, एक हाइट में कम है, एक हाइट में ज्यादा है, आप उसको किसी दीवार पे चढ़ाना चाहते हैं, दीवार की हाइट बराबर है, तो एक को आप जो जिस हाइट का स्टूल देते हैं, दूसरे को भी उसी हाइट का स्टूल दे देते हैं। तो अब यहां पे आपने इक्वालिटी तो किया, बराबर का दोनों को स्टूल दिया, लेकिन दोनों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, दोनों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि जिसकी हाइट कम है उसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टूल की हाइट बराबर है, लेकिन जिसकी हाइट ज्यादा थी उसको बहुत फायदा हो गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी का बैकग्राउंड क्या है, समानता का बैकग्राउंड क्या होता है। खाली हर जगह पे इक्वली ट्रीटमेंट दे देना, यानी डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो लाइक है, जो एक जैसे हैं, जो इक्वल हैं, उनको अगर आप इक्वली ट्रीट करते हैं तब तो ठीक है, आप उनके साथ इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, अब ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर लोग अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, अब अगर आप वहां पे इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगा और ये अन्याय हो जाएगा, ये डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं। तो अगर हम लोग इक्वालिटी की फिलॉसफी समझे, जैसे हम लोग देखते हैं कि कई अक्सर डिस्कशन चलती है,
मेन एंड वुमेन को लेके कि वो इक्वल हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अक्सर हम लोग इस चीज की डिस्कशन और डिबेट सुनते रहते हैं। अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाके इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल एक तरीके से झूठ है, फ्रॉड है, ये एक मनगढ़ंत बात है जो हमारे समाज में गढ़ दी गई है कि मेन एंड वेमेन इक्वल है। मेन एंड वेमेन स्टेटस में इक्वल है। अगर हम मेन और वेमेन को इक्वल बना देंगे तो यहां पे औरतों के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। देखने में लगेगा कि हम इक्वली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि एक लड़के की हाइट कम है या एक की ज्यादा है, दोनों को बराबर का स्टूल दे दिया। या इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आप किसी दो लेबर को लेके आते हैं, एक लेबर दो लेबर को किसी काम करने के लिए अपने घर में लेके आते हैं, एक लेबर की उम्र 75 साल है और एक लेबर है जो 25 साल का है। अगर आप दोनों को बराबर का वजन देंगे उठाने के लिए तो ये बूढ़ा जो होगा उसके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। उसी तरीके से मर्द और औरत इक्वल नहीं है। मर्द और औरत साइकोलॉजिकली डिफरेंट है, बायोलॉजिकली डिफरेंट है, उनका बॉडली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है, उनकी बॉडली की चीजें डिफरेंट है, उनका जिंदगी के अंदर जो काम है वो डिफरेंट है। तो ये जो मेन एंड वेमेन की इक्वल होने की बात करी जाती है, अगर स्टेटस में बात करी जा रही है तो हाँ ये बिल्कुल समान है। स्टेटस में आप उनको कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो इक्वल होने का मतलब आइडेंटिकल, तो ये औरतों के साथ अन्याय हो जाएगा। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। जैसे एक बार हम लखनऊ से ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद आ रहे थे, तो लखनऊ स्टेशन पे हम एक जगह पे गए टिकट लेने के लिए, तो वहां पे लाइन लगी हुई थी पहले से। उस लाइन में सारे मेल मेंबर्स लगे हुए थे और औरतों के लिए कोई लाइन अलग से नहीं थी। अब ट्रेन का टाइम बहुत करीब था तो सब टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेके लाइन के आगे से, जैसा कि हमने अक्सर देखा है यूपी के अंदर तो देखा है, आगे का और जगह का हमें नहीं पता, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में तो हमने ये चीज देखी है कि औरतें जो है साइड से जाके लाइन के टिकट ले लेती हैं। तो वो औरत अपने बच्चे को लेकर जब साइड से लेने गई टिकट, तो लोग वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे। लोग कहने लगे कि अरे कहां से जा रही है, पीछे लाइन में लगी ट्रेन का, सबकी ट्रेन छूट रही है और हर जगह पे समानता समानता की बात करती है, अब यहां पे समानता नहीं है, आपके पास आ रही है, लाइन में लग के टिकट लीजिए। और जहां तक हमें ध्यान पड़ रहा है, फिर औरत को इतना ज्यादा लोगों ने बोला वहां पे कि उसको मजबूरी में आके लाइन में लगना पड़ा। वो बहुत बोली कि भैया हमें जाना है, भैया हमें जाना है। तो आप यहां पे सोचिए कि औरत के साथ और जिम्मेदारी बढ़ गई। एक वो अपना बच्चे को संभाल रही है और उसके साथ एक और नई जिम्मेदारी बढ़ गई। तो जब हम ये कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, दोनों इक्वल हैं, तो आप समझ लीजिए ये अन्याय हो जाएगा। और जितना ज्यादा इक्वालिटी के तरफ औरतें बढ़ेंगी कि हमें मर्द के साथ बराबर पे चलना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा उनके साथ अन्याय होता जाएगा, इनजस्टिस होता जाएगा। जैसे इसको और भी एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। आप देखिए, जितनी भी राइट के तरफ बढ़ेंगे, जितना भी अधिकार आप मांगेंगे अपनी जिंदगी में, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में दायित्व बढ़ेगा। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था, उसके अंदर जब जो उसका सेक्शन जो हमने इससे पहले कवर किया था, सेक्शन 6 है, जब उसको सब्स्टिट्यूट किया गया, जब उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके औरत को, एक बेटी को जब कोपार्सनर बना दिया गया, एक बेटी को जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा दे दिया गया, बेटी का बर्थ राइट हो गया कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसी सेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि बेटी का प्रॉपर्टी में उतना ही हक है जितना बेटे का है, और बेटे उस बेटी का उतना ही दायित्व भी है, ऑब्लिगेशन भी है, लाइबिलिटी भी उतनी ही है जितनी एक बेटे की है। अब देखिए, जहां जहां उसको अधिकार मिलता जा रहा है उसके पास लाइबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। अभी एक उसके पास ऑलरेडी उसके पास इतनी ड्यूटी है कि वो घर को देख रही है, घर को संभाल रही है, किचन में, यहां वहां अपने बच्चों को, ये हर तरह से इसका साइंटिफिक बेसिस है कि औरत जो है अपने बच्चों की सबसे अच्छे तरीके से परवरिश कर सकती है, मर्द इतने अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकता है, देखभाल नहीं कर सकता है बच्चों की। और कितनी सारी जो मैटरनिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो सिर्फ औरत ही दे सकती है अपने बच्चों को, मर्द नहीं दे सकता है। तो अब उसके साथ साथ वो अपनी और जिम्मेदारी को बढ़ाती चली जा रही है, सिर्फ इसी इक्वालिटी के, इक्वलिटी को लेके, इक्वलिटी की बात को लेके, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं हैं। तो अगर आप इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो आप असल में अपने लिए अन्याय बढ़ाते जा रहे हैं, इनजस्टिस आपकी लाइफ में बढ़ता जा रहा है, आपके साथ और ज्यादा ऑब्लिगेशन बढ़ता जा रहा है, आप और फंसते चले जा रहे हैं समाज के अंदर। अब आपको मजबूरी जो है गलत काम करना पड़ेगा, मजबूरी में आपके साथ जो है डिफरेंसेस पैदा होंगे। अब जैसे हम इस थोड़ा सा इस चीज के बैकग्राउंड में भी चले जाते हैं कि अब ये जो राइट ऑफ वेमेन की बात आने लगी, जो मर्द और औरत इक्वल हैं, इन दोनों की बात हमारे समाज में कहां से आ गई, इसके पीछे भी क्यों थ्योरी, कुछ थ्योरीज हैं। हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने इस बात को बोल दिया है,
मेन एंड वेमेन की इक्वालिटी के ऊपर कमेंट कर दिया है, तो इसलिए हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को टच कर रहे हैं, हालांकि ये डायरेक्ट हमारे टॉपिक से रिलेवेंसी नहीं रखता है, तो हम इसलिए इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। अब हालांकि मैं इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं कि औरत को भी पुलिस वाला होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक औरत एक कमिट करती है कोई ऑफेंस, तो उसको एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसको एग्जामिन करे, उसको अरेस्ट करे, कोई मर्द उसको टच ना करे, मैं इस चीज के पूरे सपोर्ट में हूं। लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, ताकि कोई औरत से रिलेटेड कोई औरत को रोग है या कोई चीज है तो उसको एक औरत एग्जामिन करे, एक औरत देखे, ना कि कोई मर्द औरत मर्द देखे उसको। तो इन सब चीजों के हम बिल्कुल सपोर्ट में है, हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। लेकिन अब ये सारी चीजें, ये थ्योरीज जो है औरत की इक्वालिटी को लेके हमारे समाज में कहां से है, इसके पीछे कई ओपिनियन है, कई थ्योरीज कहते हैं, कई थ्योरिस्ट कहते हैं जिन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन रखी है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि कुछ हमारे समाज में ऐसे गंदे दिमाग के लोग थे, ऐसे गंदे दिमाग के लोग थे, उन्होंने हमेशा औरत को एक घर के अंदर बंधुआ मजदूर की तरह समझा कि उनका काम सिर्फ घर में काम करना है, पूरे खानदान के लिए बैठ के रोटी पकाना, पूरे खानदान के लिए जो चली आ रही थी सिस्टम, पूरे खानदान के लोगों को रोटी बनाना, खाना बनाना, बस यही काम है, वो कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ये धर्म नहीं कर रहा ऐसा, ये धर्म नहीं कह रहा है, लेकिन इन लोगों ने अपना सिस्टम बना लिया उनकी घटिया सोच के वजह से। तो इसको देख के कुछ लोगों को तकलीफ हुई, उन्होंने इस तरीके की बातें रखना शुरू करी समाज में कि उनको भी इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, या उनको इक्वलिटी मिलना चाहिए बर्थ के बराबर। एक ये वजह है। दूसरी जो वजह है ये बहुत स्ट्रांग है, ये अक्सर वजह है जो इक्वलिटी की बात होती है। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो मर्दों की साथ साथ औरत की जो इक्वालिटी की बात हमारी सोसाइटी में आई है, वो असल में इसकी ओरिजिन इस वजह से हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि आज जितनी भी तमाम दुनिया की चीजें चल रही हैं जो औरतों से रिलेटेड हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, पूरी दुनिया के अंदर की बात कर रहे हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉर्न इंडस्ट्री हो, जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि जो मेन रोल प्ले करने वाला है वो है औरत। अब अगर आप सोचिए कि वहां पे अगर आप इक्वालिटी की बात ना करके आप ये कहें कि औरतों को भी सही से कपड़ा पहनना चाहिए, मॉडेस्ट रहना चाहिए, अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए, इस तरीके से उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, तो आप सोचिए पूरा फैशन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उनकी जो कमाई है बंद हो जाएगी, पूरी बॉलीवुड बंद हो जाएगा, हॉलीवुड बंद हो जाएगा, और जितने भी इस तरीके के वुड चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, पॉर्न इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो आप सोचिए ये जो बिजनेसमैन है, ये सब इनके दिमाग की चाल है कि समाज में ऐसी चीज रखो, ऐसी चीज बना के चलो ताकि लोग उस तरफ ना बढ़ें, लोग कपड़ा या हिजाब इस चीज की तरफ ना बढ़ें। ये थ्योरिस्ट कह रहे हैं, ये थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी है इस चीज के ऊपर कि इस वजह से इस चीज को डाला गया कि ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल होंगे तो एक जैसा कपड़ा पहन सकते हैं, तो जब एक जैसा कपड़ा पहनेंगे तो आप कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे किसी लड़की को कि ऐसा कपड़ा क्यों पहनो, आप कभी नहीं कर सकते हैं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि औरतों को ये बिजनेसमैन जो है, ये इंडस्ट्रीज जो है, एज अ प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करती है, सीमेंट का एडवर्टीजमेंट हो, कार का एडवर्टीजमेंट हो, मोबाइल का एडवर्टीजमेंट हो, हम एंड्रॉइड फोन चलाते हैं उसके अंदर नीचे से एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं तो उसके अंदर भी औरत रहती है, मतलब मेन जो ये फिल्म का जो अट्रैक्शन होता है वो औरत को दिखा के होता है, तो मेन जो है ये प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब इक्वालिटी की बात को हटा दिया जाएगा यहां से, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा, इन सब की दुकान बंद हो जाएगी। तो ये सारी हमारे समाज में जो इक्वालिटी की बात आ गई है, ये सब इन्हीं सब लोगों की देन है जिन्होंने हमारे समाज में फैला दिया है। अगर आप पढ़ेंगे इसके डिटेल में जाके तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हर आदमी जानता है कि हम लोग इक्वल नहीं है, सिर्फ स्टेटस में इक्वल है, बराबर का दर्जा। अगर हम आपको पूछ रहे हैं खाने के लिए तो हम उसको भी पूछेंगे खाने के लिए, अगर हम आपको सजा दे रहे हैं तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि किसका कितना रोल प्ले था, कितना किसने क्या किया, तो ये सारी चीजें देखी जाएगी। स्टेटस में बराबर है लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो औरत, क्योंकि वो बाय नेचर और अपने बाय बॉडली तरीके से कमजोर है मर्द के मुकाबले में, तो वो इक्वली ट्रीटमेंट फेस कर ही नहीं सकती है। तो यही डॉक्टर जेनिंग्स कह रहे हैं कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कि जो इक्वल है उनको कानून जो है इक्वल तरीके से ट्रीट करे, ना कि जो अनइक्वल है, अगर अनइक्वल को करेंगे तो यह अन्याय हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि इसका मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह भी होता है कि अगर हम आपको अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं तो आपके पास भी अधिकार हो कि आप हमारे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, अगर हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं तो आपके पास भी अधिकार होना चाहिए कि आप हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये हो जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसी इक्वलिटी बिफोर लॉ को
प्रोफेसर डाइसी कहते हैं रूल ऑफ लॉ। प्रोफेसर डाइसी इसी इक्वेलिटी बिफोर लॉ को कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ का रूल, यानी लॉ के ऊपर कोई चीज ना हो। अब ये रूल ऑफ लॉ के अंदर प्रोफेसर डाइसी ने तीन चीजों को इंक्लूड किया। एक तो इन्होंने इंक्लूड किया कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब इन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी जो कानून है वो सबसे सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है, यानी कोई किसी का आर्बिट्रेरी पावर जो है उसके अंदर नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट को ठीक लगे वो करवाए। गवर्नमेंट भी बाध्य है कानून से, इसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, कि गवर्नमेंट भी जो है बाध्य, जैसे हमारे देश के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम माना जाता है, यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल नहीं है, ना वो सुप्रीम कोर्ट ना वो पार्लियामेंट, कोई भी ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं, सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं। तो प्रोफेसर डाइसी ने क्या कहा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एक तो इन्होंने ये चीज बताया। दूसरा बताया इन्होंने इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष समानता, लॉ के सामने कानून के सामने सब लोग समान है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी कि आप बहुत अमीर हैं तो आप अलग कोर्ट में जाएंगे, हम गरीब हैं तो हम अलग कोर्ट में, हम काले हैं तो हम अलग जगह से, आप गोरे हैं तो आप अलग जगह से, तो ये चीज जो है अलग अलग नहीं होगी, कोई कास्ट क्रीड रंग रिलीजन इस चीज के ऊपर किसी को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, एक तो ये चीज उन्होंने बोली। तीसरी चीज प्रोफेसर डाइसी कहते हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर आती है कि जो लोगों का राइट है, जो सिटीजन्स के जो राइट होते हैं वो राइट उनको इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो उनके लॉ, जो लैंड उनके जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां के कानून को कोर्ट एनफोर्स करती है, कोर्ट उसका पालन करती है, इसलिए वो उनको अधिकार मिलते हैं। लेकिन ये इंडिया के अंदर लागू नहीं होता है क्योंकि जो यहां पे लोगों के अधिकार हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ना कि हमें कोर्ट ने दिया है, ना कि कोर्ट ने इन्फोर्स किया है। तो ये प्रोफेसर डाइसी ने हमें बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रोफेसर डाइसी रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अगर हमसे रूल ऑफ लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ये प्रोफेसर डाइसी के ये तीन पॉइंट को जरूर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब जैसा कि हम बता चुके हैं कि लॉ जो है इक्वल लोगों के बीच में इक्वल तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा। अगर अनइक्वल लोग हैं तो वहां पे इक्वली तरीके से लॉ को दिया जाएगा, अगर अनइक्वल लोग हैं तो अलग तरीके से लॉ को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर इक्वल लोग हैं तो इक्वल तरीके से लॉ का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यह मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, यानी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट द अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ये चीज होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का। अब एक केस था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर यह बोल दिया गया कि ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है जो भी हमने पढ़ाया, जिसको प्रोफेसर डाइसी कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ जो है ये एक बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 368 के अंदर कोई अमेंडमेंट करके आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ये जो हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग काम सौंपा गया है, हम उनसे अपनी बराबरी नहीं कर सकते। जैसे जो काम जज का है, जो काम कोर्ट के अंदर न्यायालय के अंदर एक जज कर रहा है वो हम नहीं कर सकते। जैसे पुलिस वाले के पास पावर है कि वो किसी को अरेस्ट करे, उसके सामान को सीज कर दे, किसी के घर में सर्च कर सकता है, ये सारे अधिकार पुलिस वालों को दिए गए, लेकिन एक आम आदमी नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमें ये पावर क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनका काम उनका रोल अलग है, हम दोनों इस जगह पे उसको उस काम को लेके इक्वल नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे वकील है, अब वकील के लिए बार काउंसिल बना दिया गया कि बार काउंसिल जो है वकीलों के ऊपर नजर रख रहा है, उनके एडवोकेट्स रोल के अंदर उनका नाम को रजिस्टर कर रहा है, उनकी हरकतों को देख रहा है कि वो कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस के अंदर कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा है। हमें कोई बाहरी कानून जो है जज नहीं कर रहा, हमें कौन बार काउंसिल देख रहा है, दूसरे लोग, जैसे डॉक्टर्स के लिए होता है उनका मेडिकल काउंसिल हो गया, आर्म्ड फोर्सेस के लिए जैसे मिलिट्री के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं या जो मिलिट्री वालों के कानून होते हैं, तो हम उनके अपने आप को बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि हम अब वो इक्वल नहीं है।
जो मिलिट्री के अंदर जो व्यक्ति है उसका काम अलग है, वो दूसरे काम में लगा हुआ है, उसकी पूरी जिंदगी उसी चीज से जुड़ी हुई है, तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सब एक्सेप्शन है। तो अगर उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसे हमने देखा होगा कि कई बार रेलवे स्टेशन पे हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री के लिए अलग से टिकट के लिए वो बना दिया जाता है काउंटर, उनको टिकट मिलता है, तो हमारा उनका काम अलग अलग है। जज का हमारा काम अलग है, पुलिस वालों को गाड़ी में, जैसे अब ये कानून हम लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर कि जो जो लाइट इस्तेमाल होती थी रेड कलर की और ब्लू कलर की, अब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस वालों को दी जा रहा है, क्योंकि उनका काम अलग है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इक्वालिटी की बात हो रही तो हमें भी ये लाल बत्ती और नीली बत्ती चाहिए, हम नहीं कह सकते इस चीजों को, क्योंकि उनका और हमारा काम अलग है। जैसे एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस में लाइट लगी रहती है तो हम नहीं कह सकते कि हम भी अपनी गाड़ी में लगेंगे, उनका काम अलग है। तो ये सब चीजें एक्सेप्शन है, और खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक्सेप्शन मौजूद है। आर्टिकल 31C जो था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया, जो 76 के अंदर 42nd अमेंडमेंट था उसके अंदर डाला गया, उसके अंदर ये कहा गया आर्टिकल 31C के अंदर कि अगर आर्टिकल 39 के बी और सी के अंदर दी हुई चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, आर्टिकल 39 के अंदर जो दी गई हुई क्लॉज बी क्लॉज सी के अंदर दी हुई चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसका अगर कोई भी उल्लंघन करता है वो आर्टिकल 14 के अंदर, तो उसके लिए कोई जो है कोर्ट नहीं जा सकता। और एक केस था संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे आर्टिकल 31C आता है वहां से आर्टिकल 14 चला जाता है। और भी कई एक्सेप्शन है, जैसे गवर्नर को एक्सेप्शन मिला हुआ है, प्रेसिडेंट को एक्सेप्शन मिला हुआ है, जो दूसरे जगह के जो फॉरनर्स यहां पे आते हैं या जो दूसरे जगह के जो डिप्लोमैट्स होते हैं उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो हम उनसे अपनी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ उसके एक्सेप्शन है। हालांकि आर्टिकल 14 के अंदर आगे बहुत सारी चीज है, ये हम इस वीडियो में खाली इसको थोड़ा सा आर्टिकल 14 को फिलोसफिकल तरीके से कंप्लीट करना चाहते थे, ताकि अगर इसके ऊपर आंसर राइटिंग लिखने के लिए आता है मेंस में तो हम इसके ऊपर लिख सके, हमारे पास डिटेल हो, कंटेंट्स हो लिखने के लिए। तो ये हमारा आर्टिकल 14 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है।